देश में मोदी सरकार नहीं आने वाली, इस बार देश की जनता महागठबंधन को सत्ता की चाबी सौंपने जा रही है। ये कहना है एनएसएफ के राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन जोलापुरिया का। जोलापुरिया से खास बातचीत में बताया गया कि मोदी और शाह अलग थलग पड़ चुके हैं। पूरा चुनाव उन्होंने अपने दम पर लड़ा, यहाँ तक कि पार्टी और सहयोगी दलों को भी दरकिनार कर दिया गया। लेकिन महागठबंधन की सरकार बनने पर शरद पवार सबकी पसंद हो सकते हैं, क्योंकि उनमें सबको साथ लेकर चलने की अक्षमता मौजूद है। वे सबको साथ लेकर चल रहे हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि मोदी की हवा सिर्फ मीडिया ने खड़ी की है, असल में कहानी कुछ और है। नहीं 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 नहीं, मेरे हिसाब से ये टाइम महागठबंधन ही आएगा। देखिए मोदी, ये टाइम मोदी के साथ कोई भी नहीं है। स्टेज पर अकेला मोदी है, दूसरी जगह स्टेज पे अमित शाह अकेला है। इनके साथ बीजेपी के कौन आदमी है? इनके अंदर यूनिटी नहीं है। इन्होंने सब सीनियर लीडरों को बाहर करके रखा है, और वो जो एक ग्रुप है 40-50% वो टोटली नाराज है अंदर से, खुल के बात नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ बीजेपी में एक सिस्टम है आरएसएस के लिए, इसलिए वो खुल के ओपोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो उनका कांग्रेस को सपोर्ट है। मेरे को नहीं लगता है अभी ये टाइम तो आरएसएस मोदी के साथ है, ऐसा मेरे को तो नहीं लगता है। ममता बनर्जी और जो चल रहा है, नहीं ममता बनर्जी ने जो किया है ठीक किया है, किसने गर्ज नहीं किया? इवन राहुल गांधी ने भी गर्ज नहीं किया वापस करने का, ममता बनर्जी ने गर्ज करके दिखाया। अभी इसके आगे आगे मेरे ख्याल से मायावती भी चालू करेंगी ओपोज करने के लिए, अखिलेश भी चालू करेगा, लेकिन सबसे पहला स्टार्ट किया ममता बनर्जी ने। एनसीपी की क्या भूमिका रहेगी इस सरकार में? नहीं नहीं, एनसीपी तो महागठबंधन के साथ रहेगी। राहुल से है बातचीत चल रही है? हाँ चल रही है। हमारे हाँ हमारे बड़े साहब पवार साहब जी है, आदरणीय पवार साहब जी इज मोस्ट सीनियर इन पॉलिटिक्स। मोदी जी कहते हैं कि देश में मेरे अलावा कोई देश चलाने वाला नहीं है, मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है जनता के पास। नहीं, ये गलत है। मोदी से भी हमारे पवार साहब बहुत सीनियर है, और एक्चुअली ऐसा देखो तो ए टाइम अगर महागठबंधन की सरकार आई तो सब मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है कि माननीय शरद पवार जी का नाम सबसे आगे रहेगा, एंड इज द राइट पर्सन टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दिस टाइम। कुछ लोग मायावती का नाम भी आगे कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, पवार साहब को हम कंपेयर किया तो सब जूनियर है, और पवार साहब के साथ एक कला है कि सबको एक साथ लेके चलने की, उनके पास एक जो कला है वो और किसी के पास नहीं है। लेकिन मोदी समर्थकों का कहना है कि विकल्प ही नहीं है देश में मोदी के अलावा। गलत बात है ना, वो वही तो मीडिया में यही तो छा रहे हैं सब, मोदी के सिवा विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है। मोदी से भी हमारे पवार साहब सीनियर है। कितनी सीटें मिलेंगी आप लोग? मेरे हिसाब से 210 से 220 तक। महागठबंधन को मेरे हिसाब से 285 तो मिलेगा, 285 मिनिमम आराम से मिलेगा, 285 आराम से क्रॉस करेंगे हम लोग। महाराष्ट्र में हमारे कम से कम 20 तो आएंगे आराम से। ममता बनर्जी भी दावा कर रही है पीएम बनने का, फिर क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं वही तो आपको बोल रहा हूँ ना भाई साहब, ममता बनर्जी और पवार साहब में यही फर्क है। आज इंडिया में महागठबंधन में अकेले लीडर ऐसे है जो हमारे पवार साहब है, जो सबको एक साथ लेके चल सकते हैं।